बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी की दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में तीनों खिलाड़ी आराम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। अमेरिका के बाद बरतानवी सियासतदान भी बानी पीटीआई की पुष्ट पनाही करने लगे। 20 बरतानवी अरकीन पार्लियामेंट ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अपनी हुकूमत को खत लिख दिया। बरतानवी हुकूमत से पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी राबिता करने का मुतालबा। इससे पहले अमरीकी कांग्रेस अरकीन ने भी अमरीकी हुकूमत से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया था। बानी पीटीआई इसराइल का पैदा करदा फितना है। बानी पीटीआई के लिए इसराइली लॉबी बहुत संजीदगी से काम कर रही है। यहूदी लॉबी कोशिश कर रही है किसी तरह बानी को रिलीफ दिलाया जा सके। अमेरिका और बरतानिया में होने वाली लॉबीज की मास्टरमाइंड बानी पीटीआई की साबिका अहलिया हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। पूरी पीटीआई अमरीका, इसराइल और बरतानिया की पांव पड़ी है। ताने बाने बताते हैं कि बानी पीटीआई को कोई रिलीफ दिया जाएगा। बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना यहूदी एजेंडे की तकमील होगी। मुल्क में इंतशार फैलाने वाली जमात पीटीआई खुद तकसीम का शिकार। फवाद चौधरी और रऊफ हसन की लड़ाई ने पीटीआई में इख्तिलाफात पर मोहर सब्त कर दी। लड़ाई बैरिस्टर गौहर खान की एक पोस्ट के बाद शुरू हुई। रऊफ हसन ने कहा कि फैसल चौधरी का मैदान में आना पीटीआई में इख्तिलाफात पैदा करने की मज़मूम कोशिश है। पीटीआई इन्हें कानूनी टीम से निकालने के फैसले के पीछे मुत्तहिद है। फवाद चौधरी ने अपने वकील भाई के दिफा में एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि फैसल चौधरी तो 5 पीटीआई कारकुनान का केस मुफ्त लड़ रहा है, तुम 7 लाख रुपये महाना तनख्वाह लेते हो। घंटे से ज़ायद गुजर गए। पिशावर की टिशू डायपर फैक्ट्री में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग की शिद्दत के बाइस 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। 4 सरदार, 9 शहरा, मर्दान की 25 गाड़ियां, 100 से ज़ायद रेस्क्यू अहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर 90% काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल शुरू। लाहौर में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 को छू गया। सुबह के औकात में स्मोक के गहरे बादल छाए रहे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर। तिबी माहिरीन ने लाहौर की फजा को आलूदा तरीन करार दे दिया। शहरी नाक, कान, गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को 77 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक खत के खुद इरादियत देना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का खसूसी पैगाम, कहा कि आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत जाबिराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाक की सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। हमारा है वजारत इतलात नशरियात ने यौम सियाह कश्मीर पर नगमा जारी कर दिया। नगमे में 27 अक्टूबर यौम सियाह कश्मीर के मौके पर मकबूजा कश्मीर के आवाम से यकजहती का इजहार। मकबूजा कश्मीर के आवाम पर भारत के मजालिम को उजागर किया गया। बहादुर कश्मीरी जबर जुल्म ना इंसाफी का सामना करते हुए हक के खुद इरादियत के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि कश्मीर हर पाकिस्तानी की तरह मेरे दिल के भी बेहद करीब है। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी कहते हैं कि 27 अक्टूबर 1947 जनूबी एशिया की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। भारत के जालिमाना हथकंडे कश्मीरी आवाम के आजम को आज तक कमजोर नहीं कर सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मजलूम कश्मीरी आवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतजलजल है और हमेशा रहेगी। मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की पामालिया काबिले मुजम्मत है। इस्लामाबाद में शाहराहे दस्तूर पर कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ रैली। शहरियों, सिविल सोसाइटी के अरकीन और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के कश्मीर की आज़ादी के हक में और भारतीय कब्जे के खिलाफ नारेबाजी। विफाकी वजीर उमूर की भी रैली में शिरकत।
अमीर मकाम ने खिताब करते हुए कहा, 77 बरस पहले आज ही के दिन भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के मजालिम का सिलसिला आज तक जारी है। इंसानी हकूक की नाम निहाद तंजीमों की खामोशी अफसोसनाक है। अक्टूबर रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सियाह तरीन दिन है। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम सियाह पर पैगाम, कहा भारत मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी आबादकारी कर रहा है। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम का जज्बा आजादी सर्द नहीं कर सका। आलमी बरादरी कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराए। कश्मीर पर सौदेबाजी करके भारत से दोस्ती किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का कहना है कि जनरल बाजवा के बानी पीटीआई हुकूमत के दौरान कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने के मामलों की वजाहत की जाए। सरकारी स्कूल्स को एनजीओस के हवाले करने पर तहरीक चलाएंगे। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। इतवार बाजारों में भी सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अदरक 1000, लहसुन 800, भिंडी 250, प्याज 150, टमाटर 140 रुपए किलो में दस्तयाब। सरकारी निर्खनामे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। दुकानदार फल भी मनमाने रेट पर फरोख्त करने लगे। अंगूर 400, सेब 250, जापानी फल 200 रुपए किलो और केले 120 रुपए दर्जन में फरोख्त। सर्दियां आने से पहले गैस लोड शेडिंग शुरू। लाहौर में गैस लोड शेडिंग का नया स्केड्यूल जारी। अब सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस मिलेगी। सुबह 6 से 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। दोपहर 12 से दिन 2 और शाम 6 से रात 9 बजे तक गैस मिलेगी। खवातीन का कहना है कि गैस महंगी होने के बावजूद लोड शेडिंग बढ़ना इंतहाई तकलीफ देह है। शिकारपुर पुलिस और रेंजर्स का गढ़ी तेगू कच्चा में ऑपरेशन जारी। 2 इनाम याफ्ता डाकुओं समेत 8 डाकू मारे जा चुके, 42 जख्मी। डाकुओं के 11 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया। 32 मुकदमात में मतलूब डाकू भी पकड़ा गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बच्चे को कत्ल, खातून और बच्चे को जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम समीर अली जख्मी खातून के शोहर के मामू का बेटा है। दरिंदा सिफत मुलजिम समीर का वीडियो बयान भी सामने आ गया। मुलजिम ने खातून को अकेला पाकर ज्यादती और फिर जान से मारने के लिए हमला किया। लाहौर में मुस्लिम टाउन मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार डोर फिरने से जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाकये पर इजहार बरहमी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब। वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। बैतुल अहिया में बमबारी से मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 42,847 हो गई। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान हॉस्पिटल को तबाह करने के बाद मुहासरा खत्म कर दिया। इसराइली फौज तिबी अमले और दीगर शहरियों को साथ अगवा करके ले गई। मौसम के करवट बदलते ही मछली मंडियों की रौनकें भी बढ़ गईं। लाहौर के शहरियों की पसंदीदा मछली खरीदने मछली मंडी आमद। कोई काला रोहू तो कोई सिल्वर रोहू खरीदने में मसरूफ है। पसरूर के इलाके चविंडा में नोटों की बरसात। गांव सईदाबाली से आई बारात में दुल्हा के भाइयों ने नोटों की बारिश कर दी। बच्चों और बड़ों की चांदी 10, 20, 50, 100 और 500 वाले नोटों ने समा बांध दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।